हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, सैम्पल पेपर कह लीजिए, जो मर्जी आप इसे कह सकते हो। ये जो आज की वीडियो होने वाली हो, बी ए बी कॉम प्रोग्राम दोनों के लिए होने वाली है। जिनके पास सब्जेक्ट है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश ए का। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पर और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, सोल एनसीपीएफ रेगुलर के। तो ये वीडियो तीनों कॉलेजेस के लिए है जिनके पास भी सब्जेक्ट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको बेनिफिट यही रहेगा कि यहाँ हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर का पेपर कैसा होता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है ये सोल के लिए, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट को नहीं पता। तो पहले तो देख लीजिए है कैसा ये। लेकिन कितने नंबर का आएगा ये? 75 मार्क का होगा, मतलब 75 मार्क का पेपर होगा। सेमेस्टर वन और सेकंड सेमेस्टर के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर भी है इसमें इंक्लूड। 75 नंबर का रहेगा, टाइम मिलेगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर का। और अब देखिए, अब इसका मेनू क्या, फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन वन में 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि आपको पढ़ना है, एक पैसेज दिया जाएगा, पढ़ के उसको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन टू में ग्रामर पूछी जाएगी, क्वेश्चन थ्री में अनसीन लिटरेचरी टेक्स्ट पोएट्री ड्रामा पूछी जाएगी, क्वेश्चन फोर में अनसीन लिटरेचरी टेक्स्ट फिक्शन पूछी जाएगी, और क्वेश्चन फाइव में कॉम्पिटिशन ऑफ लिंकेड क्वेश्चन वन थ्री। अब देख लेते हम कैसे क्या रहेगा। टोटल 75 मार्क्स का आपका रहने वाला है मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पेपर है, ये रहा 75 मार्क का। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, 15 नंबर का पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसे देख लीजिए, लेंथ इसकी है 650 वर्ड की, इसको आप पूरा आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा आपको रीड करना है। इसे रीड करने के बाद फिर आपसे ये नीचे क्वेश्चन बनाएगा। आप देखिए क्वेश्चन इसने बनाना स्टार्ट कर दिए है। अभी इसने क्वेश्चन पूछा है क्या रीजन है, अगर आपने पढ़ रखा होगा ऊपर तो आइए आप इसमें अपने शब्दों में लिख पाओगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड का, मतलब कुल मिला के इस तरीके से पहले में पूछेगा। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपकी ग्रामर जैसे कि फ्लिंडा ब्लैंक्स इसमें पूछी गई है। देख लीजिए फ्लिंडा ब्लैंक्स में आपको बनना है आर इज हैव, जैसे आप भर सकते हो, अगर आपको फ्लिंडा ब्लैंक्स आते होंगे, अगर आपको प्रीपोजिशन आइटम्स वगैरह आते होंगे तो आप इसे भर सकते हो, ठीक है। फिर आप नीचे जाएंगे थोड़ा, क्वेश्चन सेकंड में देख लीजिए, फिर दोबारा से एक पैसेज आ गया है। इस पैसेज को इसमें जो कुछ एरर्स है किसी पार्ट में उसको आपको बताना है, क्या क्या इसमें गलत है, कोई पैसेज उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन थ्री में देख लीजिए आप, ये आज पोएट्री सी दे रखी है इन्होंने, इसको भी पढ़ के आपको नीचे ही आंसर करना है, देख लीजिए, ठीक है। एंग्री होपफुल कुल मिला के देख लीजिए, मैं आपको सारा ही दिखा दे रहा हूँ। और चौथे में आपका ये भी एक पढ़ के ही देना है, इसमें भी कुल मिला के इसमें यही सबसे ज़्यादा है कि आपको पढ़ के ही कहीं ना कहीं आंसर लिखने पड़ते हैं, पूरा रीड करना पड़ता है, लिटरेचर में होता यही है, देख लीजिए, क्योंकि लिटरेचर है ये, आपको इसमें ज़्यादा रीड ही करना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप का आपका सैम्पल पेपर कह लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कह लीजिए। अब ये है आपके क्वेश्चन आंसर, अब ये आपसे पूछ रहा है, इमेजिन यू आर द पर्सन रिफर्ड ही एमेंड पोएम उर्बन, क्वेश्चन थ्री में पूछा गया, राइट अ शॉर्ट पर्सनल एसे, ऐसे आपको लिखना यू आर सेल्फ यू आर लाइफ इन से डी के ऊपर। सेकंड में इमेजिन यू आर जर्नलिस्ट, आप इमेजिन करो कि आप एक जर्नलिस्ट हैं यानी पत्रकार है। वेद आज का कवर डॉक्टर किंग है या ड्रीम, राइट रिपोर्ट द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज, क्वेश्चन वन को देख के आपको पैसेज लिखना है। और 6 नंबर का रहेगा, उसके बाद आपका कुल मिला के नीचे आपका ये सिम्बॉल्स वगैरह हो गया, इसी का एंड हो गया। तो ये है पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, सैम्पल पेपर कह लीजिए, इंग्लिश थ्रो लिटरेचर यानी इंग्लिश से, जिनके पास भी देख लेना। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, पैटर्न भी समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पे और भी सब्जेक्ट के डिस्कस में कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।